हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपका कान का छेद, जिसमें आप लोग इयररिंग पहनते हैं, वो आपका कान का होल अगर बड़ा हो गया है तो उसको आप कैसे केवल 10 सेकेंड में ही छोटा कर सकते हैं और आप अपने मनचाहे अनुसार हैवी इयररिंग्स पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, हर लेडीज की चाहत होती है कि वो सुंदर सी ज्वेलरी पहने, इन बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहने। अभी तो बहुत डिमांड में है बड़े बड़े इयररिंग्स पहनना। आजकल के फैशन में तो चलन हो गया है। शादी हो रहा हो, चाहे पार्टी हो रहा हो, चाहे हम लोग नॉर्मली घर पे रहते हैं, फिर भी इयररिंग्स वगैरह कान में पहनते हैं। खास करके जब शादी वगैरह में जाते हैं तो हैवी इयररिंग्स पहनना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, चाहे हम घर पे भी रहते हैं तो भी नॉर्मली छोटा सा टॉप पहनते हैं, तो इसके चलते हमारा कान का छेद जो है, कान का जो होल होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि उसमें हम छोटे से भी टॉप पहनते हैं तो वो नीचे लटकने लगता है, जो बहुत ही खराब दिखता है। कान का छेद बड़ा रहता है तो इससे क्या है कि हमारी जो टॉप है, इयररिंग्स है, वो कान की शेप में फिट नहीं होती है, नीचे लटकने लगता है, जिससे इयररिंग्स का लुक खराब दिखने लगता है। और जो हम लोग चैन डालते हैं फ्रेंड्स, ऊपर में सपोर्ट देते हैं, वो किसी किसी इयररिंग्स में चलता है और किसी इयररिंग्स में नहीं चलता, वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो अपने कान के छेद को छोटा करने के लिए हम लोगों को कई बार सर्जरी भी करवानी पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तब जाके हमारे कान की छेद जो है वो छोटा होता है। कई बार तो कई लेडीज में ये देखने को आया है फ्रेंड्स कि कान का होल बड़ा होते होते नीचे से कट जाते हैं, कान जो है वो दो पार्ट्स में पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कान की होल का समस्या मुझे भी है। कान का मेरा भी जो छेद है वो बहुत बड़ा हो गया है और मैं भी अपने पसंदीदा इयररिंग्स नहीं पहन पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे भी इस ट्रिक के बारे में अभी पता चला है, तो मैंने सोचा कि बहुत लेडीजों में ये प्रॉब्लम होती है कि हम अपने मनचाहे इयररिंग्स नहीं पहन पाते हैं, हमारे कान का छेद बड़ा होता है इसलिए। तो आज इस वीडियो में मैं जो ट्रिक आपको बताऊंगी उसको करके आप केवल 10 सेकेंड से कम समय में, केवल 10 सेकेंड से कम समय में अपने कान के छेद को बंद कर सकते हैं और अपने मनचाहे इयररिंग्स आप पहन सकते हैं। मेरा कान का छेद जो है वो कितना बड़ा हो गया है। पहले तो ठीक था, मेरा कान का छेद बिल्कुल परफेक्ट साइज में था, लेकिन मैंने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया और हैवी इयररिंग्स पहनती गई, जिसके चलते मेरा कान का जो छेद है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। आप लोग खुद देख सकते हैं कान का छेद कितना बड़ा हो गया है। मैं इसमें सिंपली छोटा सा भी टॉप पहनती हूँ तो वो नीचे लटकने लगता है और बिल्कुल ही खराब दिखता है। जो इयररिंग्स का लुक होता है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है, क्योंकि इयररिंग्स परफेक्ट साइज में नहीं बैठता है, जिसके चलते इयररिंग्स का लुक खराब दिखने लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, कान का छेद बहुत बड़ा है, इसमें आप लोगों को इयररिंग्स पहन के दिखा रही हूँ मैं। आप लोग ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कितना गंदा दिख रहा है, कितना खराब लग रहा है, बिल्कुल ही लुक नहीं आ रहा है। कान का जो इयररिंग है नीचे लटकने लगा है। इसका मैं पेंच लगा देती हूँ पीछे तरफ से, तो भी क्या है, ये परफेक्ट साइज में नहीं बैठेगा, क्योंकि कान का जो छेद है बहुत बड़ा हो चुका है और इयररिंग जो है बिल्कुल भी परफेक्ट साइज में नहीं बैठेगी। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे लटक रहा है इयररिंग्स। तो इसी को अभी मैं आप लोगों को जस्ट 10 सेकेंड में जो ट्रिक बताऊंगी उससे आप लोग खुद देखेंगे कि मेरा कान का जो इयररिंग है बिल्कुल परफेक्ट साइज में बैठेगी और इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिल्कुल परफेक्ट साइज में बिठाकर। तो चलिए आप लोगों को वो चीज मैं दिखा देती हूँ जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने कान के छेद को 10 सेकेंड से भी कम समय में छोटा कर लूंगी। तो ये देखिए, ये है सर्जिकल स्टेपरी, जो ये आपको मेडिकल स्टोर में बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल रहती है। इसको डॉक्टर लोग पट्टी वगैरह लगाने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, पट्टी वगैरह को चिपकाने के लिए, जिससे पट्टी बिल्कुल नहीं खुलती है, बिल्कुल ही इसका जो ग्लू होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें चिपक रहती है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही सस्ती होती है, ये आपको मेडिकल में 20-25 रुपए में मिल जाएगी। ये मेरा जो है वो 25 रुपए का है। इस तरीके से आप भी मेडिकल स्टोर से ले आइए, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि इसका इस्तेमाल आप लोग 4 से 5 साल तक करेंगे तो भी ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम इसमें से कितना सा इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते ये मेरे लिए 4 से 5 साल तक इसका यूज करूंगी तो भी ये खत्म नहीं होने वाला है।
फ्रेंड्स, वहां पर दो तरह के टेप होते हैं, एक कपड़े वाला टेप होते हैं, कागज वाला होता है, तो आप कागज वाले मत लीजिए, आप कपड़े वाला टेप लेना है आपको। तो आप लोग देखिए, ये वाटरप्रूफ है, ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसको हमारी स्किन के लिए ही बनाया गया है। तो आप इस तरीके से ले लीजिए, ये बिल्कुल ही वाटरप्रूफ है, ये पानी में भींगेगा तो भी नहीं निकलेगा। तो इसको अब हम खोल लेंगे। ये देखिए, हमें बस इतना ही खोलना है, एक इंच ही खोलना है, बस हमें इतना ही इस्तेमाल करना है, इतना ही यूज होगा। इसलिए मैं बोल रही थी कि ये मेरे को करीबन 4 से 5 साल तक चलेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो हमें बस इतना सही काटना है, ये देखिए। फिर क्या करना है, कान के छेद के जस्ट पीछे हमें इसको चिपका देना है, जहां पर हमारा कान का छेद है, जहां पर होल है, उतना ही चिपकाना है और इतना ही काटना है जितना पीछे साइज में अच्छे से शेप में बैठ जाए। ज्यादा बड़ा नहीं लेना है क्योंकि फ्रंट साइज में नहीं दिखना है। आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है और इस तरीके से चिपका है कि पता भी नहीं चल रहा है कि कान के पीछे में हम लोग कुछ चिपकाए भी हैं। ये बिल्कुल स्किन कलर में है, आप लोग इसको व्हाइट में भी मिलता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्किन कलर का है। तो इससे क्या है कि पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि हम लोग कान के पीछे में कुछ चिपकाए हैं। और ज्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि ये नीचे से दिखने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको बिल्कुल उतना ही काटे हैं जितना कि हमारे कान का होल है। फिर इसमें मैं एयरिंग्स को जस्ट ऊपर से छेद करूंगी क्योंकि नीचे बीच से नहीं करना है। ये जहां पे हमारा कान का छेद है वहां जस्ट ऊपर मैं इसको लगा दूंगी। आप लोग इसे चाहे तो सेफ्टी पिन से भी छेद कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही हार्ड नहीं होता है, ये बहुत आसानी से ही एयरिंग्स के ही नोक में छेद हो जाता है। तो देखिए, वो माय गॉड, ये कितने अच्छे से परफेक्ट साइज में बैठ गए। आप लोग देख सकते हैं, बिना पिंच लगाए भी जो मेरे एयरिंग्स है कितने अच्छे से परफेक्ट साइज में बैठे हैं। एयरिंग्स का कितना अच्छा लुक आ रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि जो मेरा एयरिंग्स है वो कितने अच्छे से परफेक्ट साइज में बैठे हैं और बिल्कुल ही लुक दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये नीचे की ओर नहीं लटक रहे। फिर मैं इसका पिंच लगा लेती हूँ। बिना पेंच लगाए कितने अच्छे से रहा है, बिना पेंच के तो हम एयरिंग्स पहन नहीं सकते। तो उसको लगा लूंगी। फिर आप लोग देखिए, क्या है कि हम इसको जब छेद किए, इसमें जब पीछे में टेप लगा के इसको हम लोग छेद किए हैं, तो हमारा एयरिंग्स जो है पूरी तरीके से उसी के सहारे पे लटका हुआ है। हमारे कान पे थोड़ा सा भी भार नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते हमारा कान का होल जो है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं खिंचाएगा। पूरी की पूरी एयरिंग्स के भार जो है टेप से लगा हुआ है। ये इसकी जो ग्लू होती है फ्रेंड्स, वो कमाल की होती है, बहुत ही अच्छी होती है। चाहे ये पानी में भिगाओ तो भी नहीं निकलता है क्योंकि ये वाटरप्रूफ होते हैं और ये अपने से कभी भी नहीं निकलेगा। आपका जब मन करेगा आप इसको निकाल सकते हैं, ये अपने से नहीं उतरेगी। इसका जो ग्लू होता है वो महीनों तक चल जाता है, चिपका ही रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 सेकंड भी नहीं लगे आप अपने कान के होल को, अपने कान के छेद को कैसे छोटा करके उसमें अपने मनचाहे एयरिंग्स पहन लेते हैं। ये उन बहनों के लिए भी है जिनके कान के होल अभी बिल्कुल परफेक्ट साइज में है, वो भी इनका इस्तेमाल करें इसी तरीके से, ताकि फ्यूचर में उनके जो कान के छेद है वो बिल्कुल भी बड़े ना हो, बिल्कुल ही परफेक्ट साइज में रहे। तो अभी से इसकी इस्तेमाल करेंगे तो आपके कान का जो छेद है वो बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिनके कान का छेद बड़ा है उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप अपने मर्जी से आप पेंच वगैरह वाले एयरिंग्स, बाली, चाहे जितने भी बड़े एयरिंग्स हो, आप बिल्कुल ही बिना घबराए पहन सकते हैं और बिल्कुल ही आपके एयरिंग जो है बहुत ही परफेक्ट साइज में आएगी, बहुत ही लुक आएगी और आपके कान में इनका कोई भी भार नहीं पड़ेगा, जिसके चलते आपके कान नीचे की तरफ और खिंचाए। ये पूरी की पूरी इस टेप के सहारे पे लगा हुआ होगा और आपके टेप जो है उसकी ग्लू बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का मेरा बहुत ही कमाल का वीडियो उन लोगों के लिए जिनके कान के छेद बड़ा है और जिसके चलते वो लोग अपने मनचाहे हैवी एयरिंग्स नहीं पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए यूजफुल हुआ या नहीं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों को भी जिनके कान के छेद बड़े हो गया है और नहीं हुआ है उनको भी, क्योंकि फ्यूचर में उनके कान के जो छेद है वो बड़े ना हो, उसे इस तरीके से कभी परेशानी ना आए। और इसी तरीके के यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।